हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी टेस्टी 5 स्टार होटल में मिलने वाली पीनट चाट मसाले की रेसिपी। बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी ऐसा मसाला, और ये चाट आप वेट लॉस में भी खा सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा, प्रोटीन से भरपूर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पीनट मसाला चाट। तो पहले हम मसाला बनाएंगे। तो मैंने एक पैन रख दिया है, तो उसमें 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा डाल देंगे, 1/2 टेबलस्पून जितना सौंफ डाल देंगे, और 1/4 टेबलस्पून जितनी अजवाइन डाल देंगे, और मैं यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून जितना काली मिर्च कुटी हुई डाल रही हूँ। आपके पास साबुत है तो आप साबुत भी इसमें डाल सकते हो, नहीं है तो क्रश की भी डाल सकते हो। और इसको लो फ्लेम पे 1/2 मिनट जैसा हम इसको रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें अजवाइन और काली मिर्च भून जाएगी, और जब तक कि जीरे का अच्छा भूनने का खुशबू नहीं आने लगता तब तक हमें इसको भूनना है। और ध्यान रखना है, ज़्यादा हमें इसको भूनना नहीं है, वरना सारे मसाले जल जाएंगे और टेस्ट भी इसका ख़राब आ जाएगा। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून जितना ड्राई पुदीना डाल देंगे। आपके पास पुदीने का पाउडर है तो वो भी डाल सकते हो, पुदीना पाउडर से बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। तो इसको एक गर्म हीट में ही ये दोनों रोस्ट हो जाएगा, तो हल्का सा हम इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें ही हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना आमचूर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जितनी हींग डाल देंगे, 1/4 टेबलस्पून जितनी हल्दी डाल देंगे, और 1/2 टेबलस्पून जितना कलर अच्छा है इसके लिए हम इसमें रेड चिली डाल देंगे, और 1/2 टेबलस्पून जितना काला नमक डाल देंगे, और 1/4 टेबलस्पून जितना सॉल्ट डाल देंगे, और 1/2 टेबलस्पून जितना गरम मसाला डाल देंगे। आप इस टाइम पे 1/2 टेबलस्पून जितना बूरा भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे स्वीट नहीं पसंद है तो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। अब मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें मिक्सी जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इसको मिक्सी जार में डाल दिया है, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी चाट मसाला बन के रेडी हो गया है। आप इसको सलाद में, रायते में, किसी में भी डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून जितना हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो पीनट आप फ्राई करके भी ले सकते हो, और ऐसे कम ऑयल में बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा ऑयल डाल के 1/2 कप जितना हम इसमें पीनट डाल देंगे, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको रोस्ट कर लेंगे। जब तक कि अच्छी सी क्रिस्पी नहीं हो जाती और रोस्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट तक हमें इसको लगातार ऐसे ही रोस्ट करेंगे, और हाई फ्लेम पे हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, वरना वो जल्दी से जलने लगेगी और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसको मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको रोस्ट करना है। तो 2-3 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाएगी और ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाएगी। तो पीनट हमारी रोस्ट होके रेडी हो गई है, इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे वेजिटेबल ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 टमाटर लिया है। तो टमाटर मैंने बारीक काट के ले लिया है, और मैंने इसका बीज हटा दिया है। बीज वाले आप यूज़ करोगे तो इसमें से पानी निकलेगा और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आएगा, तो टमाटर को बीज हटा के ही आपको यूज़ करना है। और मैंने यहाँ पे 1 छोटी प्याज, उसको भी बारीक काट के ले लिया है, और 1 ग्रीन चिली बारीक काट के ले ली है। तो ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1/2 सुसुम्बर लिया है मैंने, जो ककड़ी आती है वो, तो उसको भी मैंने बारीक काट के ले लिया है। उसको आप बड़े बीज वाले हैं तो आप इसके बीज हटा के यूज़ कर सकते हो, और छोटे वाले हैं तो बीज के साथ ही आप इसी में यूज़ कर सकते हो। तो वेजिटेबल हम इसी के साथ में ट्रांसफ़र कर देंगे, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो वेजिटेबल की। आपको जो पसंद है वो डालें, नहीं पसंद है वो स्किप भी कर सकते हो। और फ्रेश धनिया वॉश करके बारीक काट के इसमें डाल देंगे, और हमने जो मसाला रेडी किया था 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे। तो मसाला आप टेस्ट करके जो भी चीज़ आपको कम लग रही है, खट्टा या सॉल्ट कम लग रहा है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर इसमें डाल सकते हो। और 1/2 लेमन डाल देंगे,
और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी हमारा सलाद है, आप इसको वेट लॉस में भी खा सकते हो और ऐसे भी आप खाने में सलाद के रूप में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही, आप डाइट में भी इसको शामिल कर सकते हो। तो ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पीनट मसाला चाट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये आप एक बार से ज़रूर ट्राई करना, इस तरह से आप पीनट को फ्राई करके या रोस्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी पीनट चाट बनके रेडी हो गई है।